कौशाम्बी जनपद के सैनी कोतवाली अंतर्गत चौकी अजवा स्थित ग्राम कनवार निवासी रिंकू सिंह पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र सिंह उम्र 45 वर्ष को चौकी प्रभारी पंथारी सरोज कांस्टेबल गुलाब यादव रमेश कुमार यादव और अखिलेश कुमार ने आरोपी के घर जाकर दस्तखत कराने के बहाने अजवा चौकी ले आए। ये कहना उसकी मां और प्रत्यक्ष दर्शियों का है। जबकि पुलिस ने फर्द बरामदगी में 1 किलो 250 ग्राम गांजे के साथ कनवार पुलिया से गिरफ्तारी दिखा रही है। जबकि लोगों का कहना है कि उसे घर से बुलाकर ले जाया गया है। चौकी पुलिस अजवा ने शाम को ही आरोपी को सैनी कोतवाली ले आए और उसे लॉकर में डाल दिया। जब सुबह बबली यादव खाना देने कोतवाली आया और जब खाना खाने के लिए उठाया तो वो नहीं उठ रहा था, तो उसने पुलिस को बताया, तो पुलिस ने ये कहकर वापस कर दिया कि जब उठेगा तो आना। उसके जाने के बाद पुलिस ने आनन फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 4 बजे ले गए, बोला आपको साइन करना है चौकी में, आपको दरोगा बुलाया साइन करने का, तो जा यही बुला ले गए थे। आप भी गए थे क्या साथ? हाँ साथ। कहाँ तक गए थे? चौकी तक गए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद कहें आप जाइए घर, हम चले। उनको छोड़े नहीं थे? कैसे जानकारी मिली आपको? कैसे आज की कोई जानकारी नहीं? आज कोई जानकारी? खाने गए थे आप? हाँ सुबह गए। मिले थे? नहीं मिले थे, घुरा रहे थे तो उठे नहीं। उसके बाद फिर पुलिस वाले कहा जाइए बाद में आप मुलाकात करना, तो हम चले। फिर यहाँ काम लगा था, इधर काम में चले भागे, लेबर लगी थी उसके, यहाँ चले। क्या नाम आपको? बबली यादव। रहा था रिंकू उठने, तो पुलिस वाले बोले जब बाद में जब उठेगा तब ले जाना, उसके बाद बबली चला या अभी गया था लेने। कहाँ से उठाए थे? वहीं थाने में सुबह पास। सोया था क्या? ये बोल रहा था कि आवाज़ दे रहा था, वो उठे नहीं, तो बोला कि पुलिस वाले बोला कि सर उठ नहीं रहा, तो बोले कि सो रहा है भी, सोने दो। पुलिस वाले किस लिए ले गए हैं वहाँ? ये बोले खाली दस्तखत करना है, पता नहीं अब किस लिए ले गए। सुबह ये कई बजे गए थे थाने? सुबह नहीं गए थे, शाम टाइम में गए, वही 4 बजे। आपका नाम? राजेश कुमार। ये है कि दारू पीता है, दारू से हम परेशान रहे। कितने बजे ले गए? 4 के लगभग। क्या बीमार थे क्या? नहीं भैया बीमार मार कुछ नहीं, देहे मुझे रिंकू के पिताजी कब खत्म हुए हैं? 35 साल हो गए। इलाहाबाद में जाते रहे, मई है चैत्र में दुर्गा उपास में रहे, बिचवा उन्हें बिना छोड़ दे रहे नौ दुर्गा, तो चौथ गए हैं, चौथ के रात पंचमी के गए हैं, ये हाल उनका कतल हुआ है और छठ के आए हैं। रिंकू इतने समय कितने साल का था? ये भैया क्या बताए, 35-37 के लगभग तो मुन्ने की हाल हाल कतल हुआ है, तो 3-3.5 साल लगभग रहे। जब पुलिस ले गए तो कुछ बताई थी किस मामले में ले गए? कुछ नहीं, कहें तुम दारू पिया थे तो इनका मना कहे ना कर, उनका भैया कहा तो पुलिस घर से ले गई है। सादे ड्रेस में रहे? रिंकू की शादी हुई है? हाँ भैया शादी है, भाई एक लड़की है, फिर शादी की है तो अपने मायके में खत्म हो गई। पहली पत्नी कैसे खत्म हुई? वो भैया सफाई खागा डालते लगे। दूसरी पत्नी कैसे खत्म हुई? वो भैया बीमार चल रहे। कब खत्म हुई? थाना सैनी के कनवार क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति रिंकू सिंह, जिसकी उम्र लगभग 40-45 साल के बीच, उस व्यक्ति को NDPS एक्ट के तहत बुक किया गया था और आज सुबह उसे उसकी तबीयत कुछ ख़राब हुई, जिसकी वजह से उसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रेफर किया गया। वहां से उसे फिर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। आगे की जो भी लीगल कार्रवाई है, पंचायतनामा की कार्रवाई, पोस्टमार्टम की कार्रवाई सारी कराई जा रही है और इस पूरे प्रकरण की जांच एडिशनल SP कौशाम्बी द्वारा कराई जा रही है।